All of you welcome to this educational channel Pankaj Science World. We were studying the chapter environmental management. In that environmental management, yesterday we had studied about the meteorology. तो कल के वीडियो में आपने मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान क्या होता है, मौसम विज्ञान जो है उनके डिपार्टमेंट्स जो है यानी कि मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे है. दुनिया में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WMO, ये कहाँ पे है, जिनीवा में है. और इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स कहाँ पे है, ये पुणे में. तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनकी बहुत और सबसे अहम भूमिका होती है मानसून मॉडल में. मानसून की स्थिति हमारे देश के अंदर कैसे रहेगी, तो उसके ऊपर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, ये पूरी मानसून के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, देयरफॉर मानसून मॉडल और प्रेडिक्शन ऑफ मानसून, मानसून का जो पूर्वानुमान है, मानसून की जो भविष्यवाणी जो है, वो बहुत अहम भूमिका हमारे देश के इकोनॉमी में बहुत जरूरी है यार. इसका रोल जो है बहुत अहम होता है. तो ये मानसून मॉडल क्या है, तो मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन, मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन, इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तो मानसून मॉडल जो है इसके अलग अलग मॉडल्स भी है और उसका प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में सब जो है इस वीडियो में हमें पढ़ना है. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन. तो मानसून जो है उसका प्रिडिक्शन जो है हमारे इंडिया में कब से होता है. द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर्स, यानी कि 100 सालों से हमारे देश में मानसून का प्रिडिक्शन किया जाता है. मानसून की स्थिति कैसी रहेगी इसका अनुमान बताया जाता है. एंड ये कब से शुरू हुआ है, फ्रॉम वेयर दिस इट हैज बीन स्टार्टेड, इसकी एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. इन 1877, ये जो साल है 1877, ये साल हमारे इंडिया के लिए बहुत ही जो है क्या कहेंगे उसको हम, बहुत ही डेंजर था, खतरनाक हमारे लिए गुजरा है. क्योंकि इस साल में एक फेमाइन हुआ था, फेमाइन मीन्स वहाँ पे अकाल हुआ था. इन 1877 एट दैट टाइम ब्रिटिश रूल्ड ओवर द इंडिया, वहाँ पे हमारे ब्रिटिश लोगों का राज था. तो इन दैट 1877 द फाउंडर ऑफ IMD, और IMD की स्थापना किन्होंने की थी, एच एफ ब्लैनफोर्ड. इन्होंने IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना शिमला में की थी और वो IMD के प्रमुख थे. 1877 जिस समय अकाल पड़ा था तो उनका, इस अकाल का उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. क्योंकि इसका पूर्वानुमान उन्हें नहीं था, इनकी उसे पूर्व सूचना नहीं थी कि इस साल अकाल पड़ने वाला है, मानसून की स्थिति ऐसी रहेगी. अगर इसका उन्हें अनुमान होता तो उसके लिए वो कुछ ज़्यादा कर सकते थे, लोगों की जान उसमें बचा सकते थे. क्योंकि उसमें बहुत लोगों की जान भी 1877 के फेमाइन में गई थी. तो इन दैट 1877 द HD ब्लैंडॉप ही ट्राई टू प्रेडिक्ट एंड ही यूज द वन मेथड एंड ही मेड अ प्रेडिक्शन एंड फॉर दैट प्रेडिक्शन ही हैज टेकिंग द रेनफॉल इन द हिमालया एज अ पैरामीटर फॉर दिस प्रेडिक्शन. तो हिमालयन रीजन में रेनफॉल कैसे होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रेडिक्शन उन्होंने किया था. तो ये इनकी शुरुआत थी. तो इन द डिकेड ऑफ 1930, डिकेड मीन्स 1930 के दशक में, देन द हेड ऑफ दैट IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो थे इन 1930s में, उनका नाम था गिलबर्ट वॉकर. इन 1930s गिलबर्ट वॉकर ही हैज प्रपोज अ वन हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था मानसून के बारे में. तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ही हैड अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स एंड इंडियन मानसून, हमारे इंडिया का मानसून और वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स यानी कि पूरे दुनिया के अंदर मानसून को
प्रिडिक्शन करने के लिए, मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं और इंडियन मानसून में कौन कौन से पैरामीटर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इनके बीच में क्या संबंध है, इनका उन्होंने अध्ययन किया. एंड ही पुट फॉरवर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही ऑन द बेसिस ऑफ दिस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट दैट इज द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड द प्रीवियस रिकॉर्डिंग आर यूज टू प्रपोज द मानसून मॉडल एंड फ्रॉम दैट ही पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मानसून. तो मानसून का नेचर कैसे रहेगा इसके बारे में गिलबर्ट वॉकर ने क्या किया था, आपको समझ सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो आज की स्थिति है और ऐसी स्थिति पहले कब थी, तो जब ऐसी स्थिति थी तो उस समय मानसून कैसा था, तो उस रिलेशन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और इससे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया यानी कि एक अनुमान दिया कि मानसून का नेचर कैसे रहेगा, ये उन्होंने बताया. एंड विद द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर, आपने वसंतराव गोवारीकर का नाम सुना है, हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, अभी भी है. एंड इन द डिकेड्स ऑफ 1990s ही गिव्स वन मॉडल, तो उन्होंने एक पहल की और उनकी पहल की वजह से हमारे इंडिया को एक मानसून का मॉडल मिला. एंड दिस मानसून मॉडल मेड बाय द डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर बेस्ड ऑन 16 वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स एंड दिस मॉडल आर डेवलप्ड बाय गोवारीकर एंड दिस मॉडल वॉज यूज इन अवर कंट्री and this was was in use in our country from 1990s to 2002. तो 1990 से लेके 2002 तक हम वसंतराव गोवारीकर ने जो 16 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ट मानसून मॉडल है इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे. बट नाउ अ डे द मॉडल इट हैज बीन बींग डेवलप्ड बाय द आवर इंस्टीट्यूट IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पे है, पुणे में है. कल के वीडियो में मैंने आपको इसका लोगो भी बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल दिस डिपार्टमेंट बीइंग डेवलप अ मॉडल न्यू मॉडल एंड दिस न्यू मॉडल इसके अंदर रिसर्च अभी भी चालू है. द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट टू लेवल्स, दो लेवल्स के ऊपर इनमें काम चल रहा है. द फर्स्ट डिजाइनिंग न्यू मानसून मॉडल एंड सेकंड इज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नया मॉडल्स जो है इसके डिजाइनिंग पे काम जो है वो IITM कर रहा है. एंड द मेन फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. रडार सिस्टम और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर जिन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि सैटेलाइट से हमें एक्यूरेट जानकारी मिलती है और रडार सिस्टम क्या होते हैं, रडार मीन्स रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इट यूज द रेडियो वेव्स, द रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके हम एटमॉस्फेयर की स्थिति कहाँ पे कैसी है ये एग्जैक्टली जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल रडार सिस्टम का इस्तेमाल कैसे होता है, अगर समंदर में समंदर के अंदर 300 किलोमीटर के अंदर यहाँ की समंदर के किनारे से लेके 300 या 500 किलोमीटर के अंदर समंदर की स्थिति कहाँ है, वहाँ पे लहरें कैसे उठ रही, वहाँ पे हवा का बहाव कैसा है, हवा कितनी तेज़ी से बह रही है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रडार से. वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही रडार से हमें जानकारी मिलती है. और उस हवा का प्रभाव कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाइंड, एंड फ्रॉम दैट मैथमेटिकली कैलकुलेट व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच दैट वाइंड टू द सी शोर, समंदर के किनारे तक वो कब पहुंचेगी और कब लहरें उठेंगी, तो इससे हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं और मछुआरे को इससे जानकारी देके उनकी जान भी बच सकती है. इस तरह से रडार टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देयर आर थ्री नोन मॉडल्स आर यूज फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून. तो मानसून प्रिडिक्शन के लिए तीन मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो पहला मॉडल जो है इसे कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल और डायनेमिक, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल जिसे क्या कहते हैं डायनेमिक मॉडल. तो ये मैथमेटिकल मॉडल किसके ऊपर आधारित है,
तो मैथमेटिकल मॉडल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सुपर कंप्यूटर। किसके ऊपर आधारित है? सुपर कंप्यूटर। आपने नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर का। पहले हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस के पास थी और यूएस हमें ये सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था। तो उस समय हमारे इंडिया के एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम आपने भी सुना होगा, विजय भाटकर नाम के जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर विजय भाटकर, ही मेड अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड नेम ऑफ दैट कंप्यूटर इज परम सुपर कंप्यूटर। एंड दिस परम सुपर कंप्यूटर इज द वर्ल्ड बेस्ट सुपर कंप्यूटर विच मेक्स द कैलकुलेशन टू फास्ट। आ गया समझ में? यूएस के पास जो सुपर कंप्यूटर था उससे भी एडवांस कंप्यूटर हमारे विजय भाटकर ने हमारे इंडिया के लिए बनाया। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और ये विजय भाटकर हमारे महाराष्ट्र का है और ही इज बिलोंग्स टू अमरावती डिस्ट्रिक्ट। आ गया समझ में? तो ये सुपर कंप्यूटर के ऊपर जो है हमारा मैथमेटिकल मॉडल जो है सुपर कंप्यूटर से ही उसका संचालन होता है। तो इसमें क्या होता है? द फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच टेक इनटू अकाउंट द रिलेशनशिप और एस्टिमेट्स। इसमें क्या किया जाता है? द एस्टिमेट्स ऑफ द करंट क्लाइमेटिक इवेंट एंड द ऑनगोइंग फिजिकल कंडीशंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या है? करंट क्लाइमेटिक इवेंट एंड ऑनगोइंग फिजिकल कंडीशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिम। यानी कि करंट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट की और वेदर की जो कंडीशन क्या है करंट में, और जो है इसमें ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकली क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है या ह्यूमिडिटी जो है, ये फिजिकल कंडीशन। तो ये फिजिकल कंडीशंस और करंट इवेंट इनके बीच में जो रिलेशन है उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड दिस डाटा ऑफ करंट क्लाइमेट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स इज मैथमेटिकली एनालाइज्ड विद द सुपर कंप्यूटर। जो भी डाटा यहाँ से मिलता है उस डाटा को सुपर कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाल दिया जाता है और उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट होती है। एंड वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड अपॉन द करंट जियोग्राफिकल इवेंट्स आर डेवलप बाय द सुपर कंप्यूटर। तो आ गया समझ में? मैथमेटिकल जो मॉडल है ये सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर आधारित है और उसमें जो डाटा हम डालेंगे उससे, उसकी जानकारी से जो सुपर कंप्यूटर से हमें एक एनालाइज करके एक प्रिडिक्शन हमें देता है जिससे हम मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में फोरकास्ट और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, द सेकंड मॉडल इज द होलिस्टिक मॉडल। तो होलिस्टिक मॉडल में क्या किया जाता है? इन दिस मॉडल, होलिस्टिकल मॉडल क्या है, अलग अलग जितने भी मॉडल्स मानसून के बारे में अवेलेबल है सभी मॉडल्स का डाटा कलेक्ट करके, सभी मॉडल्स का डाटा एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और सभी डाटा से एक जो है अनुमान वहां पे तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं होलिस्टिक मॉडल। तो होलिस्टिकल मॉडल, इन दिस मॉडल द प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर्स यूज्ड इन, कौन से पैरामीटर, सबसे ज्यादा पैरामीटर, दोज पैरामीटर्स यूज्ड इन अदर मॉडल विच हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून, विच हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। जो जो पैरामीटर्स का मानसून के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है और अलग अलग मॉडल्स में उस पैरामीटर का कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से मॉडल में उस पैरामीटर का इस्तेमाल किया है, इन सब का अध्ययन यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर एक प्रेडिक्शन जो है मानसून के बारे में तैयार किया जाता है। तो नाउअडे द प्रेडिक्शंस अबाउट द मानसून, तो प्रेडिक्शन अबाउट द मानसून आर डिक्लेयर बाय द IMD। हमारे इंडिया में मानसून के बारे में जो प्रेडिक्शन करता है वो करता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड दिस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आर प्रेडिक्टेड द, एंड दिस प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल। अलग अलग मॉडल्स जो है जिनकी जानकारी मिली है उस सभी जानकारी को इकट्ठा करके एक प्रेडिक्शन तैयार किया जाता है। देयरफॉर दिस predictions are the collective outcome of various model and this is called as holistic monsoon model। और तीसरा जो model है जो है statistical model, क्या कहते हैं, statistical model। और statistical model में क्या किया जाता है, in this method the current climatic observation in the region, यानी कि कोई भी region में अभी climate की स्थिति क्या है, the current climatic observation of the region are compared with the earlier parameters
सच एज ओशियनिक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल फॉर सेवरल ईयर्स। आगे समझ में। तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या किया जाता है, आज की स्थिति कैसी है, पहले की स्थिति कैसी थी और उसका कंपैरिजन करने के बाद एक निष्कर्ष अनुमान वहां पे निकाला जाता है और उससे मानसून का मॉडल तैयार किया जाता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। समझो आज जो है 15 दिनों से हवा की स्थिति जो है वो कैसी है, 100 किलोमीटर प्रति आवर इस रफ्तार से हवा बह रही है। मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर का प्रोपोर्शन 60% है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1000 पास्कल इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ये स्थिति आज की है। तो इसके पहले सालों में ऐसी स्थिति कब कब आई थी और जब ऐसी स्थिति उन सालों में आई थी तो उस दौरान मानसून की स्थिति कैसी थी, तो उन सब का अध्ययन करके आज का मानसून कैसे होगा तो इसके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो ये सभी डाटा, आज का डाटा और प्रीवियस डाटा, इसको कंपैरिजन करने के बाद, इनका कंपैरिजन करता है। दिस डाटा इज कंपैरेटिवली एनालाइज्ड बाय द स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड द प्रेडिक्शन अबाउट द मानसून इन द प्रेजेंट कंडीशन इज डिक्लेयर। और आज का मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये जो अलग अलग मॉडल्स जो है मानसून के मॉडल है, द ऑल दिस मानसून मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स यूज इन दैट मॉडल एंड द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। यानी कि मॉडल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर का यूज किया जाता है, इनके बीच में क्या रिलेशंस है और उससे अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन ऑल दिस पैरामीटर्स यूज्ड इन द मानसून मॉडल्स व्हिच आर रेफर्ड टू द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर आर नेवर कांस्टेंट। क्योंकि समंदर की स्थिति कांस्टेंट नहीं रहती, एटमॉस्फेयर की स्थिति कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। एंड दैट इज व्हाई आवर मॉडल्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स नीड टू बी चेंज कंटिन्यूअसली। तो ये जो मानसून मॉडल है इसमें भी अध्ययन होना, हमेशा रिसर्च होना जरूरी है और इसको भी बदलते रहना जरूरी है। कोई एक मॉडल के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते जिससे हमें मानसून की जानकारी मिले। तो थैंक्स, यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उनको आप एक दो बार पढ़ने से आपको ये सभी जो है मानसून मॉडल अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।